Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी का WE चैरिटी से दस्तावेजात की एक सीरीज फरहम करने का मुतालबा, ऑर्गेनाइजेशन ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी, मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,27,940 हो गई। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में नस्ली तासुब के खिलाफ मुजाहरा, शुरका ने कनाडा के पहले वजीर आजम का मुजस्मा गिरा दिया। SIU टोरंटो में एक मुजाहरे के दौरान होने वाले झगड़े की तहकीकात कर रहा है, जब 7 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए थे, जबकि पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पोर्टलैंड में एक शख्स की हलाकत के बाद ट्रंप और जो बाइडन आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश शुरू कर दी गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस अब तक 8,48,000 से ज़ायद लोगों की जान ले गया। कोरोना वायरस से मुतासर 2,53,00,000 अफराद में से 1,76,00,000 से ज़ायद सेहतयाब हो गए। अमरीकी रियासतों में समुद्री तूफान से बड़ी तबाही, 15 अफराद हलाक, 6,50,000 से ज़ायद अफराद को बिजली मयसर नहीं है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Greenish hand sanitizer, Ala clean quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareede ya hamari website par order kare www.greenish.com. कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट, लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699 फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 9059566699। WE चैरिटी के वकील का कहना है कि पार्लियामेंट के दोबारा आगाज से कमेटियों का वजूद खत्म हो गया, अब कोई कमेटी नहीं है जो दस्तावेजात वसूल करे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी WE चैरिटी से दस्तावेजात की एक सीरीज फराहम करने का मुतालबा कर रही है। कंजर्वेटिव्स के मुताबिक WE चैरिटी को पार्लियामेंट के इजलास से कबल ये दस्तावेजात वादे के मुताबिक हाउस ऑफ कॉमन्स कमेटी में पेश करनी है। WE चैरिटी इस मुतालबे की मुखालफत कर रहा है। चैरिटी के कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये मुनासिब अमल नहीं बल्कि सियासत के मुतरादिफ है। WE चैरिटी के वकील का कहना है कि पार्लियामेंट के दोबारा आगाज से कमेटियों का वजूद खत्म हो गया, अब कोई कमेटी नहीं जो दस्तावेजात वसूल करे। उनका कहना था कि जब एक नई कमेटी होगी तो हमारे मौकल को दस्तावेजात की तैयारी के सिलसिले में नई कमेटी के क्लर्क से बातचीत करते हुए खुशी होगी। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी, मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,27,940 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,117 हो गए। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,27,940 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,117 हो गई। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमू केसेज की तादाद 62,352 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद 5,758 तक जा पहुंची है। ओंटारियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमुई तादाद 42,195 तक जा पहुंची है। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,810 है। अल्बर्टा में 13,474 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 237 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 5,496 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 204 है। क्यूबेक इंतजामिया ने मुल्क के पहले वजीर आजम का मुजस्मा गिराने के अमल को नाकाबले बर्दाश्त करार देते हुए कहा कि तारीख को मस करने से गुरेज किया जाए।
इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में नस्ली तासुब के खिलाफ मुजाहरे के शुरू करने कनाडा के पहले वजीर आजम जॉन ए मैकडोलन का मुजस्मा गिरा दिया। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में मुश्तइल मुजाहरीन ने मुल्क के पहले वजीर आजम सर जॉन ए मैकडोलन का तारीखी मुजस्मा गिराकर सर को मुजस्मे से जुदा कर दिया। मुजाहरीन में किसी ने मुजस्मा गिराने की वीडियो वायरल कर दी। क्यूबेक इंतजामिया ने मुल्क के पहले वजीर आजम का मुजस्मा गिराने के अमल को नाकाबले बर्दाश्त करार देते हुए कहा कि तारीख को मस्क करने से गुरेज किया जाए, ताहम किसी भी किस्म की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। जॉन ए मैकडोलन जो 1860 और 1819 के अशरों के दौरान 19 साल तक कनाडा के वजीर आजम रहे को कनाडा की कौमी तरक्की का हीरो माना जाता है, ताहम उन्होंने कनाडा के मुकामी बाशिंदों के खिलाफ सालिमाना पॉलिसियां अख्तियार की जिनके नतीजे में न सिर्फ बहुत से मुकामी बाशिंदे मारे गए बल्कि उन्हें जबरदस्ती अपने तहजीब व सकावत तर्क करने पर भी मजबूर किया गया। तारीख के मुताबिक उन्होंने रिहायशी स्कूल कायम किए जहाँ मुकामी बाशिंदों के 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों को जबरदस्ती दाखिल किया गया। उन बच्चों पर अपनी जबान बोलने और अपनी सकाफती लिबास पहनने की पाबंदी थी। स्कूलों में तालीम के दौरान उन बच्चों को बदसुलूकी का निशाना भी बनाया गया। 2015 में जारी की जाने वाली एक सरकारी रिपोर्ट में जॉन ए मैकडोलन के इन इकदामात को सकाफती नस्लकशी करार दिया जा चुका है। कनाडा के सूबे क्यूबेक के वजीर आला ने एहतजाजी मुजाहरे के शुरुआत के इस इकदाम को नाकाबले कबूल करार दिया है। उन्होंने मुजस्मे को दोबारा अपनी जगह पर रखने का भी मुतालबा किया है। टोरंटो में एक मुजाहरे में होने वाले झगड़े के बाद ऑन्टेरियो का खसूसी इन्वेस्टिगेशन यूनिट तहकीकात कर रहा है जिसमें 7 अहलकार जख्मी हुए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। SIU टोरंटो में एक मुजाहरे के दौरान होने वाले झगड़े की तहकीकात कर रहा है जब 7 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे जबकि पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया था। मुंतजमीन का कहना है कि पुलिस रैली में गिरफ्तार शख्स के खिलाफ डी एक्सक्लेशन टेक्निक इस्तेमाल करने में नाकाम रही। टोरंटो में एक मुजाहरे में होने वाले झगड़े के बाद ऑन्टेरियो का खसूसी इन्वेस्टिगेशन यूनिट तहकीकात कर रहा है जिसमें 7 एहलकार जख्मी हुए जिनमें 4 को अस्पताल भेजा गया था लेकिन इसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। कम्युनिटी मुंतजमीन ने बताया कि ये वाकया एक ऐसे शख्स के बाद पेश आया जो बेघर और जहनी मरीज मालूम होता है, वो रैली का हिस्सा नहीं था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए डी एक्सक्लेशन तरीकों के बजाय दर्जनों अफसरान के साथ जवाब दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है पुलिस ने एक शख्स को जमीन पर लिटाया हुआ है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब सियाफाम कारोबार मालकान के हक में एहतजाज किया जा रहा था जो कोरोना वायरस के सबब किए जाने वाले शटडाउन और LRT की तामीर के सबब नुकसान का सामना कर रहे हैं। अमरीका के शहर पोर्टलैंड में पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान एक शख्स की हलाकत के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी शहर पोर्टलैंड में पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान एक शख्स की हलाकत के बाद सदर ट्रंप और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन आमने सामने आ गए। पोर्टलैंड के मेयर का कहना है कि अमरीकी सदर ने ही नफरत और तकसीम की बुनियाद रखी। पोर्टलैंड में पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद ट्रंप और उनके हरीफ जो बाइडन एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे। सदर ट्रंप ने मुतअद्दिद ट्वीट्स करते हुए जो बाइडन पर इल्जाम लगाया कि वो रहनुमाई करने से कतराते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पोर्टलैंड में एक बेवकूफ मेयर अमन बहाल नहीं कर सकता। उन्होंने शहर में मौत और तबाही होने दी। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा कि सदर ट्रंप अपने लापरवाह बयानात से तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। उन्होंने सूरत हाल को मजीद खराब किया है। गुज़िश्ता रोज पोर्टलैंड में अमरीकी सदर के हामियों और ब्लैक लाइव्स मैटर्स नामी मुहिम के हामियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पों में एक शख्स गोली लगने से हलाक हो गया था। भारत में कोरोना के मजीद 78,000 से जायद मरीज सामने आ गए जिसके बाद मुतासरीन की तादाद 36,13,000 जबकि हलाकतें 64,500 से जायद हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 8,48,000 से ज़ायद लोगों की जान चली गई। कोरोना वायरस से मुतासर 2,53,00,000 अफराद में से 1,74,00,000 से ज़ायद सेहतयाब हो गए। भारत में कोरोना वायरस के मजीद 78,000 से ज़ायद मरीज सामने आ गए जिसके बाद मुसाफरीन की तादाद 36,13,000 जबकि हलाकतें 64,000 से ज़ायद हो गईं। उधर अमरीका में मुसद्दका केसेस 61,56,000 और ब्राज़ील में 38,37,000 से ज़ायद हो गए। ब्राज़ील में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 566 अफराद हलाक हो गए जबकि 16,158 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। ब्राज़ील में कोरोना वायरस के मुसद्दका केसेस की तादाद 3,86,231 हो चुकी है जबकि आलमी वबा के बायस अब तक 12,828 अफराद हलाक हो गए हैं। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 17,093 हो गई जबकि इसके मरीजों की तादाद 9,90,326 हो चुकी है। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 21,359 हो गई जबकि कोरोना के कुल केसेस 3,71,816 हो गए। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 41,498 हो गई जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 3,32,792 हो
हो चुकी है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 3,840 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,13,911 तक जा पहुंची है। अमरीकी रियासतों में समंदरी तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कैटेगरी 4 के तूफान से 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी रियासतों में समंदरी तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। कैटेगरी 4 के तूफान से 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सास और लुइसियाना में 6,50,000 से ज्यादा अफराद को बिजली मयसर नहीं, जबकि 2,00,000 अफराद बगैर पानी के गुजारा कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने मुतासर इलाके का दौरा भी किया, ताहम हालात ताहाल काबू से बाहर हैं। 2005 के बाद रियासत लुइसियाना में आने वाला ये सबसे ताकतवर तूफान है। जब तूफान लुइसियाना के साहिल से टकराया तो इसकी रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटा थी। हवा इस कदर तेज के दरख उखड़ गए, जिनकी जद में आकर 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि एक शख्स समंदर में डूबकर हलाक हुआ। लेक चार्ल्स के करीब वाकई एक केमिकल प्लांट में आग लग गई। हवा में केमिकल फैलने के खदशे के सबब इलाका मकीनों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। अमरीकी कौमी तूफान मरकज ने वार्निंग जारी की है कि लौरा तूफान मजीद अमरीकी रियासतों में तबाही मचा सकता है। दूसरी जानब कैरेबियन मुल्क हैटी में भी इसी तूफान से 32 अफराद हलाक हुए हैं। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टेक टीवी। सब्सक्राइब टेक टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।